गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी भोगी एंड संक्रांति। सो कल मम्मी पापा आए थे जैसे आपको पता है, पर मैं बहुत अपसेट हूँ अनिर्बन की तबीयत को लेके। 8-10 दिन हो गया है अनिर्बन का तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है। कल तो काफ़ी बिगड़ गया था और बात नहीं सुनता है अनिर्बन, डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहा है। लोग बोलते हैं ना बूढ़ी घर पोड़ानो, बूढ़ी मार घर पोड़ानो, ऐसे हम बंगाली में बोलते हैं, ये करते हैं। पर हम लोग नहीं गए, सुबह 6:30 बजे ये करते हैं। मैं कभी मेरी लाइफ में शायद भोगी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर जब भोगी में हम लोग गए थे ऐसे आग जल रहा था, अनिर्बन के फ़ोन में मैसेज आया था कि मेरी बॉम्बी गुजर गई है। तो मैं आई, अनिर्बन बोले कि चलो चलो घर चलो घर चलो। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, 4 दिन बाद डिलीवरी थी, आई और वो न्यूज़ मुझे मिला था। तो होता है ना कि हम कुछ कुछ चीज़ें इतना ख़राब हो जाता है कि हम उस चीज़ का अवॉइड करते हैं। छोड़ो ये सब बातें, सुबह सुबह नहीं करनी है मुझे। तो मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट बना रही हूँ सबके लिए। ब्रेकफास्ट में आज बन रहा है नूडल्स, सारे सब्जी मैंने फ्राई कर लिया है। और देखो हमारी नेबर दीदी ने ना उनके गांव से कैरेट उठा था, शायद उनके ज़मीन में कैरेट लगाए थे, तो उधर से हमें भी दिया है। बेबी कैरेट है, कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं सोच रही हूँ एक दिन हमस बनाऊँगी, उसके साथ खाएँगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर पे मैंने ब्लॉकू का बनाया है, वही अंडा बनाना ओट्स पैनकेक। उधर चिकन निकाल के रखा है, चिकन बनाऊंगी। आज बहुत सिंपल लंच बनेगा, चिकन कोशा राइस। मतलब ये सिंपल नहीं है, ये बहुत स्पेशल है, ये संडे स्पेशल लंच है। हाँ, पर मम्मी पापा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मतलब एक आइटम से, तो मैं थोड़ा सा उनको बहुत पसंद है। लास्ट टाइम मैं बाराशाद के घर में बनाई थी, तो पम्पकिन बॉयल करके उसको मैश करती हूँ, वो बनाऊँगी। एक्चुअली ग्लॉकू का अलग से बना रही हूँ आज, तो उसके जो राइस दाल का खिचड़ी बनेगा ना, उसके अंदर बड़ा बड़ा साइज़ का मैंने दे दिया है, इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो। तो इसको उठा के मैं मैश कर दूंगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ग्लॉकू को अनिर्बन नहला रहे हैं, ठीक हो? है? दिखा एक बार फेस दिखा। मुझे नहीं लग रहा है ठीक है। दीदी ताकाओ एक तो। घूमे हो? हम लंच करने बैठे हैं, कुमड़ो भाते एंड कैरेट एंड क्यूकम्बर सलाद एंड रायता। ग्लॉकू के बर्थडे में मेरा प्लान था कि थोड़ा सा ना हर एक टेबल में थोड़ा सा फ्लावर बुके रखने का। तो हमारा जो डेकोरेशन का काम कर रहा है वो एक्चुअली मेनली बलून का ही कर रहे हैं, तो उनके पास फ्लावर नहीं रहेगा। सो उसके बाद सोचा था कि मैं ही खुद करूँगी DIY, पर अभी उतना टाइम और पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारा सबका ही तबीयत थोड़ा बहुत डाउन है। तो इसीलिए इधर पे एक फ्लावर मार्केट है, उधर जा रही हूँ, उधर से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम उस दिन सुबह जा कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि घर पे बहुत सारे रिचुअल्स है, उसके बाद हॉल में जाना है, फोटोशूट है, मतलब बहुत पूरा दिन। हाँ, अरे हम लोग सिंह जी, हाँ सिंह जी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग आए हैं गोदी मलकापुर फ्लावर मार्केट। मैंने सुना है कि हैदराबाद का सबसे बड़ा शायद फ्लावर मार्केट है, तो चलो देख के आते हैं। इधर पे ना एक्चुअली बुके बना के नहीं देते हैं, और प्रॉब्लम इज़ दैट हम लोग अगर एक दिन पहले ले भी जाते हैं ना, तो उसको बाकेट में रखना पड़ेगा, वो भी चलेगा ठीक है, घर पे रख देंगे, पर उसको फिर टेबल में लगाने के लिए वो ग्रीन कलर का जो स्पंज मिलता है ना, उसमें सेट करना पड़ेगा, उसका टाइम नहीं है हमारे पास। तो सोच रहे हैं, पर मुझे करना है, मुझे फ्लावर डेकोरेशन बहुत पसंद है, ओरिजिनल रियल फ्लावर का। 4 लोग पीछे बैठ गए, देखो। आप मतलब बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हो। बैठने का थोड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा।
नेक्स्ट हम कहाँ पे आए हैं गाइस, गेस करो। फ्लैट दिखाने लेके आए हैं मम्मी पापा को। लास्ट टाइम भी वो लोग आए थे ना, तब भी अनिर्बन लेके आए थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे बीमार थी थोड़ा सा। सो फिर से दिखाने के लिए लेके आए हैं। इधर पे इतना सुंदर स्मेल आ रहा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा है। कौन सा फ्लावर है पता है तो बताना। रख के सब लोग चले गए, पता है किधर गए घूमने, प्रभु बताओ। सब लोग वॉशरूम घूमने गए हैं, हम दोनों को छोड़ के गए हैं, क्योंकि हमें वॉशरूम नहीं आई है। अरे ग्लाकू को आई भी तो क्या ही प्रॉब्लम है, कर देगी, कभी भी कर सकती है, ग्लाकू के पास वो अपॉर्चुनिटी है। ग्लाकू भूख लगी है, खाबी ग्लाकू, भात खाबी, खाबी केटा, फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। लोग ऐसे बोलते हैं कि जब बुरा वक्त आता है ना, सब कुछ बुरा होता है आपके साथ। सो पता नहीं हमारा क्या टाइम स्टार्ट हुआ है। हम लोग एक्चुअली रास्ते से जा रहे थे, अंधेरा हो गया था फ्लैट से निकल के, तो एक कोई बाइक से आ रहा था और वो पूरा एकदम पीके था एकदम। तो अनिर्बन ने बहुत मैनेज किया, पर वो जो साइड मिरर होता है ना, उसमें आके बाइक का जो हैंडल धड़ाम करके लगाया, और पीछे वाले सब लोग बोल रहे थे कि अरे पूरा पी के आए हैं, पूरा ये कर रहे हैं वो कर, इधर उधर हिल हिल के जा रहा था बाइक लेके। तो उनका तो पता नहीं, चले गए वो, भाग गए एक्चुअली। पर हमारा जो गाड़ी है उसका साइड मिरर बंद हो गया है, तो अभी का जो गाड़ियाँ आते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये जो मिरर होता है। दो टाइप का मिरर होता है, एक मैनुअल होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक होता है। हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, मैनुअल में ये सब झंझट नहीं है, वो बंद हो जाता है ऐसे करो खुल जाता है। हाँ, तो हमारा स्विच से खुलता है, ऑटोमेटिक खुलता है, ऑटोमेटिक बंद होता है। तो अभी बंद हो गया है और खुल नहीं रहा है, उसका मोटर का जो पोजीशन है वो थोड़ा हिल गया है, डिसलोकेट हो गया। तो हम लोग पहले हमारा जो नेक्सा है उधर गए थे, एक बार ऐसे हुआ था, तो उसको बंद कर दिया था, तो पता नहीं था जिन्होंने किया था, तो वो लोग ठीक कर दिया थे, किए थे, ठीक हो गया था, ठीक हो गया था। फिर हम लोग सोचे, उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं हो रहा है, अंदर से जैम है। तो Everyone is very helpful, I must say. उसके बाद हम लोग सर्विस सेंटर गए, तो उधर पूरा बंद हो चुका था, लाइट वाइट पूरा ऑफ था, ऊपर से छुट्टी चल रहा है, शायद कल परसों दो दिन छुट्टी रहेगा। फिर भी उधर पे एक भैया थे, उन्होंने कोशिश किया, गाड़ी अंदर लेके गए, लाइट ऑन किया, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं हो रहा है, टूल्स लगेगा, अभी सब कुछ बंद है ना। तो फिर उधर से हम लोग आए और एक कार सर्विसिंग, हाँ उधर पे भी सब बंद था, उधर पे भी एक भैया थे, उन्होंने तो गाड़ी का पूरा देखा है आपने, फुल खोले सब कुछ किया, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं मोटर जैम हो गया है, या आपको फेंकना पड़ेगा या तो कल, हाँ कल सुबह को आओ। सो हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे, क्योंकि देखो मम्मी पापा अभी है, अभी मतलब ऐसे सिचुएशन है कि कार चलाना अभी बहुत रिस्की है, तो मम्मी पापा है, हम लोग घूमने भी नहीं जा पाएंगे कहीं पे, क्योंकि अभी बच्चा है ना, ट्रेन बस में जाना भी बहुत मुश्किल है, उसका खाना वाना ये सब कैरी करना पड़ता है। कल अनिर्बन का छुट्टी भी था, पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या ही बोलूँ, मतलब अभी सर्विस सेंटर में अगर देंगे ना तो 4-5 दिन मिनिमम लगेगा, ऐसा हो इंश्योरेंस क्लेम होगा। हाँ, विदाउट इंश्योरेंस अगर करेंगे तो शायद एक दिन में हो जाएगा, पर उसमें हमारा बहुत नुकसान है, क्योंकि उसका कितना बोल रहे थे, 5,000 तो पूरा वो ग्लास का ही लगता है, ऊपर से सर्विसिंग, मतलब 6,500 तो कम से कम हो जाएगा, तो इंश्योरेंस क्लेम करने पर 1,000 में हो जाएगा शायद ना। हाँ, 1,500 के आसपास कुछ क्लेम चार्ज होता है, तो वो लगेगा। और एक्चुअली एक साथ वो बाइक के, पता नहीं शायद नीचे भी कुछ आजकल बाइक में वो फैशन के लिए लगा हुआ था। हाँ, उसमें तो भी थोड़ा सा लगा है, भी एक लगा है, उसको भी हम बोलेंगे, देखते हैं। वो दैट इज ए माइनर वन, बट फिर भी वो हुआ तो है, अब इंश्योरेंस का क्लेम करेंगे तो दोनों ही क्लेम। क्या ही बोलू अनिर्बन, जस्ट जब खराब चलता है तो। अनिर्बन अभी थोड़ा ठीक हो रहे थे, आज ही बोल रहे थे कि आज मैं थोड़ा नॉर्मल मुझे लग रहा है, और देखो ये हो गया, मतलब गाड़ी अगर आपका है ना तो आपको हमेशा एक टेंशन रहेगा कि कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, छोटा मोटा होता है ना, गाड़ी जो है ना वो हाथी हाथी जैसे, पर
हमारा ये फर्स्ट कारण है ना, मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि हमारा एक्चुअली ऑलवेज टच बहुत एक जैसे ग्लोको बीमार पड़ती है तो इमोशनल हो जाता है, उतना तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट गाड़ी में कुछ होता है ना तो मैं बहुत ज्यादा दुखी फील करती हूँ, मतलब मैं एकदम मुरझा जाती हूँ जब तक ना वो ठीक हो। राइट अच्छा नहीं लगता है, पर अभी इसी सिचुएशन में नहीं होना, एटलीस्ट एक हफ्ते बाद होता कि मम्मी पापा चले जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि बेलू का एक हाथ टूट गया है। मम्मी पापा भी है ना तो उनके साथ हम कहीं नहीं जा पाएंगे, मतलब ओला से तो जा सकते हैं पर अनिर्बन को ओला पसंद नहीं है, अनिर्बन कभी भी ओला प्रेफर नहीं करते, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम लोग कोलकाता जाते हैं उसमें भी हम लोग बस ट्रेन में ही ट्रेवल करते हैं, अनिर्बन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो ऊपर से होगा भी नहीं, हम 5 लोग हैं। हाँ अनिर्बन का फेस देखो, हाँ हाँ ऐसे 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 सुन रहा था, हाँ 5 लोग है, वाओ मिल गया, अभी मुझे कॉज भी मिले, तुम बाइक में आ जाना फिर। तो मैं हंस रही हूँ पर मेरे अंदर जो हो रहा है ना मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो आके खाना गरम किया, चिकन ही ज्यादा करके बना दिया था, वही चिकन रोटी खाया बस, अभी सोना है, सो के हैप्पी संक्रांति, वो टेंशन को थोड़ा हटाना है। हैप्पी संक्रांति, हैप्पी संक्रांति, चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, क्लॉक के बर्थडे प्रिपरेशन होगा उस व्लॉग में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।